हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की एक ना दिखाई देने वाली चीज ने इंसान को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कांख में चपेट के रख लिया हो, अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हो कि अकेला धरती ही नहीं, आप चंद्रमा से लेके मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ आप डिस्कवर कर रहे हैं, उस ना दिखाई देने वाली चीज ने उसके कदमों को 4x4 के कमरे में रोक के रख दिया था। वाह वाह। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने, और चुनौतियां कभी भी रंगीन नहीं होती, चुनौतियां हमेशा या तो श्वेत होती हैं या श्याम होती हैं। अगर आप इसको बिग बैंग से हम और आप देखें कि जब ये कहा जाता है कि एक महान अंधकार था और उसमें एक महान विस्फोट हुआ जिसकी परिणति कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जब हम इस श्वेत और श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट की अवस्था को, चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब कहीं हमारी जिंदगी सतरंगी हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1920 में घटित हुई थी और उसके बाद 2020 में घटित हुई, जिसने हर व्यक्ति की विशेषता को खत्म करके उसको शेष बना दिया था, और उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं था और वो लगातार निरंतर सिर्फ कहीं भाग रहा था। कहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये उसको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसको ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए, और वो इन्होंने कही, ये हालांकि पूरी बात बताते नहीं है, छिपा के ये घुमा देते हैं कि मार्केटिंग की बात है, और उसमें फिर वो डीओपी ने मुझसे कहा, ये बहुत चतुर और चालाक और चुस्त आदमी है, इनको मैं 1993 से जानता हूँ। और ये बिल्कुल वैसी है, गज़ल है ना, आप खूब अच्छी गाते हैं, कि भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ये वो वाली भीड़ है, कोरोना का ये जो काल था ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप 100 लोगों में भी आप अकेले थे और अकेले में भी आप अकेले थे। तो ये वाली जो त्रासदी है, आपने मुझसे पद्य सुनाने कहा था, मैंने गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वाह सर, क्या बात है, शब्दों के जादूगर हैं आशुतोष सर आप। हम सब ने कोरोना में जो हमने देखा है, हम सबको भगवान ने शायद लग्जरी दी है, कुछ ना कुछ हमारी जरूरतों से ज्यादा है हमारे पास, तो हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर जो त्रासदी लोगों ने झेली है, ये फिल्म को देखने के बाद अगर हमें अगर एहसास हो कि भगवान ना करे कभी आगे चल के, जैसे सर ने कहा कि 1920 में भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, हम अपनी चीज़ों से सीख सकें। हालांकि हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने इमोशनल लोग हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपने प्रयास, लेकिन लोग भी अपने अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर रहे हैं। सो सर, आपने बहुत अच्छा किया इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई, और एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर सर जिस तरीके से आपने दिखाया है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। जब ज्यादा सियानी सियानी बातें करते तो हमारी ना रेटिंग नहीं आती तो हम अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। सर हाल ही में पठान ने 1000 करोड़ किए हैं, आप उनके बॉस बने हुए हैं, ठीक है, हर जगह खबर आ रही है। तो हमारे होता ना आस पड़ोस में लेडीज, महिलाएं, बुआ, चाचियां पूछती हैं कि बेटा 1000 करोड़ में तुम्हें कितने मिले, तो कभी आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कोई आसपास बगल पड़ोस वाले? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन मुझे बड़े शास्त्रों में लिखी हुई बात याद है कपिल जी, कि भोजन, भजन, खजाना, यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। अच्छा। इसलिए आपको भोजन, भजन, भोजन, भजन, खाना भी आप अकेले में खाइए, अच्छा जी, भजन भी आप अकेले में कीजिए, अच्छा जी, खजाना भी जो है उसको अकेले में करिए, गिनिए, और यारी मतलब प्रेम प्रसंग, ये भी अकेले में करिए। यारी मतलब लड़के लड़कों की कि महिलाओं वाली सर? इसमें एक्चुअली यारी जो होती है वो मतलब प्यारी के साथ वाली यारी की बात। अच्छा जी, वाह। तो ये सब पर्दे में रहना चाहिए, तो जब तक पर्दे में रहती है तब तक लोग पूछते रहते हैं कि कितना मिला। वाह क्या बात। क्योंकि क्या है कपिल, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रखे, समझ लीजिए कि वो अदाकार है, और जिसका किरदार आपको याद रहे समझ लीजिए वो कलाकार है। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो राजकुमार भाई जब सेट पे जाते थे सीधा शूटिंग शुरू होती थी कि या पहले गुरुदेव का प्रवचन होता था? बहुत प्यारी लिखते हो शोज, जैसे कपिल क्या जाना है कल है? तो पूरा कल जैसे कपिल क्या जाना है तो कल रात पूरा रिसर्च होमवर्क कर लिखते लिखते लाइनें। अपने आप में कपिल के सवाल इतने खूबसूरत होते हैं कि जवाब अपने, कि अपने आप जवाब निकलते हैं। तो ये जवाब मेरे नहीं है, ये रिफ्लेक्सेस हैं कपिल। क्या बात है, क्या बात है। मेरा ये मानना है कि कपिल जो है वो उन हीरो में से हैं
कि हीरों के बीच में अगर कांच का टुकड़ा भी डला हो तो वो हीरे की रुतबा पा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। कांच का टुकड़ा कौन है वो बताओ पहले। कांच का टुकड़ा हम। तो मैं तो हीरो। मैं कांच का टुकड़ा हूँ। आप लोगों के रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं हीरो के रुतबा मुझे भी मिल जाता है। राजकुमार भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जिस करेक्टर में ये जाते हैं अब पूरा उसमें रमे होते हैं। और सो प्राउड ऑफ यू भाई, बहुत बहुत कमाल के एक्टर आप। पिछले महीने इन्होंने नोरा फतेही के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया। मैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपकी फिल्में देख के। उसमें मेरे को बड़ी जलसी हुई क्योंकि म्यूजिक वीडियो मैंने भी किया टी सीरीज के लिए, लेकिन नोरा की जगह छोरा डाल दिया गुरु रंधावा। मैंने गुरु रंधावा के साथ किया। तो मेरे को खाली एक बात पूछनी थी भाई, ये नोरा के साथ वीडियो किया आपने, ये एनओसी लेनी पड़ती कहीं से मतलब क्या है? भूषण सर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम साथ में। तो उन्होंने कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो है राज, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। और गाना क्योंकि हम सबने सुना, इतना पुराना अच्छा सेला दिया, एक कल्ट सॉन्ग है, तो उसका मुझे रिक्रिएशन बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो किया। लेकिन आपका भी मैंने देखा, आपका छोरा के साथ भी गाना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नोरा है तो इसलिए अच्छा है, छोरा वाला भी अच्छा है वो। ठीक है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि राजकुमार एक इंटेंस सीन में जहां आशुतोष सर इनको थप्पड़ मारते हैं, तो भाई आपको उस समय दिमाग में आया था कि जिस तरीके के वो एक्टर हैं वो भी अपने किरदार में पूरा घुस जाते हैं, और जिस तरीके के ये डायरेक्टर हैं बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं, एक सेकंड के लिए दिमाग में आया था कि कहीं ये इनको सच्ची ना कह दें कि हो जाए? सच में ही मारा था हैं? मैं मार नहीं रहा था, मैंने कहा मत करो, लेकिन ये इतने ईमानदार एक्टर हैं कि उन्होंने कहा सर मारिए। मैंने कहा मत करो। बोले नहीं सर मारिए। मैंने कहा मत करो। बोले नहीं मारिए। और फिर ये आ गए अनुभव जी, बोले कि जब वो कह रहा है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुभव सर इतनी सीरियस मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, पर इनके सेट पे जितना मजा आता है ना, हम लोग शूट करते थे कुछ ऐसा 9 से लेकर 3:30 बजे तक, बिकॉज विंटर्स में शूट करते तो लाइट चली जाती है, क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद ये लखनऊ में मंगाते थे वहाँ की फेमस चाट के काउंटर। अच्छा, इतना सुकून है इनके सेट पर ना कि आपको 7 घंटे का काम करना है और 3 घंटे की बहुत ही मजे करने हैं। अच्छा, मजे मजे में काम होता है तो आपने मजा किया तो लोग भी मजा करते हैं आपके काम को। तो ये जो चाट आती थी भूमि, भूमि गोलगप्पे पूरी तरह तो दिया, आप भी खाती थी लखनऊ की चाट? इसका खाना कहाँ जाता है पता नहीं, ये सब खाती है। और इसको मैं जानता हूँ पता नहीं कुछ 450 साल से, ये वैसी है कि जब भी इंस्टा पे कोई सुंदर फोटो लगाती है तो मैं इसको मैसेज भेजता हूँ कि पुरानी फोटो क्यों डाल रही है। एक्चुअली कृतिका, आपने भी लखनऊ की चाट खाई? सर मैं तो वेट करती थी, बहुत ही कमाल की चाट थी एक्चुअली। अनुभव सर बहुत अच्छा खाना ढूंढ लेते हैं, कुछ रोज कुछ नया आता था सेट पे। अरे ढूंढ ही लेते हैं, इनके अपने ठेले हैं लखनऊ में। दिया, आपकी अनुभव सर के साथ ये चौथी फिल्म है आई थिंक, है ना? तो ये हर बार पेमेंट बढ़ा के देते हैं कि पिछली वाली पेमेंट रोक लेते हैं और उसको वसूलने के लिए आपको अगली करनी पड़ती है? उसका वसूली कर रही हूँ। अच्छा। पहली बार जब इसने काम किया ना हम लोगों ने साथ में, बहुत सारे वीडियोस किए थे अपन ने 2000 में, क्या हुआ एक बड़ा छोटा सा रोल था 10 में। अच्छा जी। तो मैं कनाडा चला गया शूटिंग करने, इधर मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पटा लिया कि हाँ तो वो कर ले। मैंने इसको कनाडा से फोन किया, मैंने कहा तू क्यों करी है वो रोल, है उसमें कुछ नहीं, 2 सीन है, एक छोटा सा गाना है। तो उसने बोला मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा कर। तुम बिन भी आपने कनाडा में शूट की थी ना सर? हाँ, वो बड़ी यार कमाल की फिल्म थी। यू नो आजकल हमारे जो ऑडियंस है ना वो सारा टाइम ये डिस्कशन करती है कि फ्राइडे कितना लगा, सैटरडे कितना लगा, कहाँ कितने स्टार मिले, कहाँ कितने नहीं मिले। आप में से किसी को मालूम है कि तुम बिन 1 हफ्ते में उतर गई थी थिएटर से? अच्छा। तो कला की जो सक्सेस होती है ना वो कई सालों बाद पता चलती है। तुम बिन के 1 हफ्ते पहले कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के साथ कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के अगले हफ्ते कौन सी पिक्चर आई थी, लेकिन तुम भी ना आज 21-22 साल हो गए। तो हम लोग एक जो है कला को कला की तरह देखने की जो कला है वो भूलते जा रहे हैं। एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको, ये जो सारे नंबर आप लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हो पढ़ते हैं ना, ये सब झूठ होते हैं। ये वो नंबर क्या होते हैं, वो आप क्या सुनते हैं उसका असल नंबर, इसमें इंडल्ज करना बंद कर दीजिए। पहले जमाने हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, फिल्में आती थी, तो 2 जवाब होते थे फिल्म देखने के बाद, अच्छी है
नहीं अच्छी है, तीसरा कोई जवाब नहीं होता था। तो फिल्म सिर्फ इस नियत से देखने जाइए कि अच्छी है या खराब है, और आपको कैसी लगी, बस उसने कितना बिजनेस किया। बनाने वालों का ये होना चाहिए कि भाई ये बड़ा दिल कर रहा है बनाने का, बना देते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, मन किया कि ये रोल आशुतोष करना चाहिए तो आशुतोष करना चाहिए। प्योरिटी जा रही है फिल्म आर्ट को बनाने और कंज्यूम करने दोनों में, वो बहुत चिंता का विषय। सॉरी आप लोग सीरियस नहीं, नहीं, सर, अच्छा, मजा मत बुलाया करो। नहीं नहीं, अरे नहीं, मजा आता है मुझे। जैसे आपने तुम्मिन की बात की, सर मैंने सुना है मेरा नाम जोकर भी शायद शुरुआत में इतनी नहीं चली थी। बिल्कुल नहीं चली, शोले नहीं चली थी। अच्छा जी। नहीं नहीं, मुगले आजम नहीं चली थी फर्स्ट वीक। वाह, रहना है तेरे दिल में के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा जी, उसके मुझे सारे गाने याद है। सच कह रहा है दीवाना, हाय हाय, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। वाओ यार, क्या बात है, देखो आप। अच्छा ये गाना प्लीज आप अगर कंटिन्यू करें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आज तक हमारे शो में कभी ऐसा नहीं हुआ सारी ऑडियंस ने मिलकर गाना है। करें शुरू। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे। मैंने हर लम्हा उसे अवर लविंग केके साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके गाने हमेशा हम सुनते रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे वो, ये उनके लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।